मैम, किस तरीके की प्रतियोगिता कराई जा रही है और कहाँ पे कराई जा रही है? आज ये राजस्थान ललित कला अकादमी और राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में DPS तबीजी अजमेर, जहां अकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। मैम, किस तरीके की प्रतियोगिता कराई जा रही है और कहां पे कराई जा रही है? आज ये राजस्थान ललित कला अकादमी और राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमने जो विषय रखा है वो नारी के स्वरूप का रखा है। और इस तरीके से बच्चे, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से नारियों को देखते हैं, मतलब नारी के किस प्रकार के स्वरूप को उनको पसंद आता है, वो ममता के रूप में उनको पसंद आता है कि वात्सल्य के रूप में आता है कि वर्किंग वूमेन के रूप में आता है, तो वही अपने चित्रों के माध्यम से उसको शीट पर रुके रहेंगे। आज जो कॉम्पिटिशन था, किस तरीके की पेंटिंग देखने को मिली है छात्राओं द्वारा? सर, बहुत ही सुंदर सुंदर रूप देखने को मिल रहे हैं। कुछ ने तो बड़े अच्छे अच्छे से रूप बनाए हैं, किसी ने वात्सल्य रूप बनाया है नारी का, किसी ने वर्किंग रूप बनाया है, और हर तरीके के रूप आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आज प्रतियोगिता हम आयोजित कर रहे हैं, ये राजस्थान ललित कला अकादमी के उससे कर रहे हैं, और हमारे जो इसके अध्यक्ष साहब हैं राजस्थान ललित कला अकादमी के, उनकी सोच रही है कि इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। लगभग कितनी छात्राओं ने भाग लिया? 75 से 80 छात्राओं ने, इसमें छात्र छात्राएं दोनों हैं और पूरे अजमेर जिले के महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। गुड नेम? ममता चौहान, सदस्य राजस्थान ललित कला अकादमी।